एवरीवन आज की वीडियो में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस के तौर पर दी थी डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है बस इतना सा फ़र्क है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वन को ऐड करता है वेरिएबल की वैल्यू में और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वन को सप्रैक्ट करता है वेरिएबल की वैल्यू से डिग्रीमेंट ऑपरेटर की भी दो ही फॉर्म्स होती हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म लास्ट लेक्चर में मैंने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था तो आप वहां से इसका कंसेप्ट ले सकते हैं अब हम अपने कोड की तरफ आते हैं इंट ए बी एक्स वाई ए बी एक्स वाई यहाँ पर वेरिएबल्स हैं इनको हम सेपरेट सेपरेट भी डिक्लेयर कर सकते थे लेकिन ये एक शॉर्टकट तरीका होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जब हमारे पास बहुत से वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम होती है तो फिर हम एक ही दफ़ा डेटा टाइप लिखते हैं और आगे वेरिएबल्स के नेम्स दे देते हैं कोमा के साथ कोमा का यूज़ करते हुए नेक्स्ट लाइन में है एक्वल बी इक्वल एक्स इक्वल वाई इक्वल है ज़ीरो के जब हमने बहुत से वेरिएबल्स को ए की वैल्यू से इनिशलाइज करवाना हो तो फिर हम ऐसे करवा सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू भी ज़ीरो है बी की वैल्यू भी ज़ीरो है एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है तो इस तरीके को हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं लाइन नंबर सेवन में है b इक्वल माइनस माइनस ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है डिक्रीमेंट ऑपरेटर की और लाइन नंबर एट में प्रीफिक्स फॉर्म है डिक्रीमेंट ऑपरेटर की और ये नेक्स्ट हमने सिंपल वैल्यूज को प्रिंट करवाया हुआ है अभी हम इस कोड को रन करते हैं और इसकी आउटपुट के थ्रू डिक्रीमेंट ऑपरेटर के कंसेप्ट को समझने की ट्राई करते हैं इक्वल है माइनस वन बी इक्वल है ज़ीरो के एक्स इक्वल है माइनस वन के वाई इक्वल है माइनस वन के ए में वैल्यू पड़ी हुई थी जीरो और हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई किया हुआ था ए के साथ ये हमें पता है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू में से वन को सब्ट्रैक्ट करता है इसी तरह ज़ीरो में से माइनस वन हुआ तो ए की वैल्यू माइनस वन आ गई अब नेक्स्ट है बी और बी यहाँ पे डिपेंडेंट है ए पर और हमने ए के ऊपर पोस्ट फिक्स फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि पोस्ट फिक्स अपनी पुरानी वैल्यू देता है डिपेंडेंट वेरिएबल को तो इसलिए बी में ज़ीरो पड़ा हुआ है अब नेक्स्ट है एक्स जिसके ऊपर हमने प्रीफिक्स को अप्लाई किया हुआ हुआ है एक्स में वैल्यू थी ज़ीरो और माइनस वन होने की वजह से अब एक्स की न्यू वैल्यू हो गई माइनस वन और ये प्रीफिक्स है इसलिए ये वाई को अपनी न्यू वैल्यू ही देगा मीन्स माइनस वन आज के लेक्चर में से अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्लेलिस्ट की न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें